हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्क चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एम्पलीफायर आया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा ब्लूटूथ वाला एम्पलीफायर है, और ये हमारा एम्पलीफायर जो है दोस्तों, ये हमारा 3055 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं ये पीछे इसके ट्रांजिस्टर हैं, ये देखेंगे हमारा, आप देखेंगे तो इसके अंदर 3055 ट्रांजिस्टर यूज कर गए होंगे। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर की खास बात यह है कि दोस्तों, इसके अंदर कोई हमिंग नहीं होती, कोई हमिंग नहीं आएगी अगर आप इसे लिसनिंग के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इसे रिपेयर करना सीखेंगे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो आज आपके सामने सारा मैं क्लियर करूंगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और देखिएगा पूरा, इसको कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा रिपेयर करना, इसमें कैसे रिपेयर करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं इसको बोर्ड दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर 450 वाट का 3055 का बोर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर फॉल्ट क्या है दोस्तों, इसका एक्चुअली ट्रांसफार्मर खराब था। तो मैं अभी आपको चेकिंग के लिए बता देता हूँ कि आपको कैसे ट्रांसफार्मर इसका चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सिंपली हमें करना क्या है, इसके चारों तरफ के पहले नट खोल लेने हैं, ठीक है। ये हमारा कवर है, इसके यहाँ के चारों तरफ के हम नट खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। नट खोलने के बाद सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, जहाँ पे ये जो रेड कलर की दो वायरें होती हैं, जो हमारी दोस्तों ये रेड कलर की दो वायर होती है, ये तो तीन वायर है दोस्तों, ये हमारी जो तीन वायरें हैं, ये तीन वायरें दोस्तों हमारी 12012 की हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है 12012 का है दोस्तों, मतलब 12012, ये बीच वाली जीरो और ये 12, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप, समझ रहे होंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। आपको वहां दिखाई नहीं देगा तो मैं इस ट्रांसफार्मर पे बता देता हूँ। ये 12012 5 एम्पेयर में है दोस्तों, ये 12012 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, क्योंकि इस पर काफ़ी हैवी लोड भी चल सकता है। तो देखिएगा, जो मैंने मैं ब्रांड का नाम नहीं दिखाऊंगा, जो मैंने मार्केट से खरीदा था, ये 12012 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे एम्पेयर इन्होंने ये लिखा हुआ है 5 एम्पेयर का। तो दोस्तों, इसका ट्रांसफार्मर की अभी हम इसकी जो मेन तार है, सबसे पहले अभी हम मेन तार लगाएंगे इसकी और देखेंगे ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने इसकी मेन सप्लाई दे दी है और आप देखेंगे कि ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाक से हम मीटर को एसी वोल्ट पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम मीटर को एसी वोल्ट पे करेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर 220 वोल्ट हम इसके, एक तो जो हमारी ये जो लाल वाली वायर है यहाँ पे हमने सप्लाई चेक करनी है और बटन पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे 222 वोल्टेज आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं दे रहा। तो चलिए दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो मैं ट्रांसफार्मर को लगाता हूं और आप देखिए कैसे होता है। और प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी और मैं ट्रांसफार्मर खोल लूंगा, फिर उसके बाद आपको इसके कनेक्शन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सिंपली हमने ट्रांसफार्मर को खोल लिया, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन लीड है उसकी वायर्स निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं थोड़ा कैमरे को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप दिक्कत ना लें और वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहले हम ये वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, और दोस्तों हमने ये इसकी वोल्टेज की तारें खोल ली हैं, और अब हम दोस्तों इसकी पीसीबी से वायर्स निकालेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा पीसीबी बोर्ड में, आप देखिएगा ये हमारा वाइट कलर का इसका जीरो है और ये 12 और ये 12, तो जो हमारा पीसीबी में जीरो वोल्ट है वो फिल्टर की ग्राउंड पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। और जो पॉजिटिव है, जो दो वाला, वो दोनों हमारा, ये आप देखेंगे जो यहाँ पे डायोड लगे हैं, इन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लगा लेते हैं, पहले हम वायर्स निकाल लेंगे दोनों। तो सिंपली ये बाहर आ चुका है और अभी हम दूसरे ट्रांसफार्मर को रखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये बीच वाला हमारा जीरो रहेगा,
ब्लू कलर का, और जो दोनों हमारे पीले वाले हैं वो हमारे फेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों सिंपली हमारा ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो चुका है, आप देख सकते हैं ये वाली मैंने ग्राउंड पे लगाई है और ये दोनों डायोड के फेस पे लगा दिए हैं। तो हमारा ट्रांसफार्मर लग चुका है और अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसे चेक, तो चलिए इसे दोस्तों मैं सप्लाई देता हूँ, मेन सप्लाई, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारा चल चुका है और कार्ड अभी तक नहीं चला। कार्ड में देखते हैं क्या फॉल्ट है दोस्तों।